नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सभी? सभी प्यारे बंधुओं बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शुरू में ही कल आपकी क्लास का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग तो यही था, लेकिन ऑफ रहेगी कल क्लास। क्लास ऑफ क्यों रहेगी? कल अद्भुत प्रश्नोत्तरी होगी। कल सभी बहुत अच्छे प्रश्न लेके आएंगे, 50 प्रश्न। 7:30 बजे से कल अद्भुत प्रश्नोत्तरी चलेगी, ठीक है ना? तो कल 10 फरवरी को 7:30 बजे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, उसमें आप अच्छे से देखते ही हो, अद्भुत प्रश्नोत्तरी होगी, ठीक है ना? तो अभी जो बात करेंगे बहुत ध्यान से समझना। तो हम बात कर रहे थे संधि की, और संधि में कौन सी संधि चल रही थी? स्वर संधि। स्वर संधि हमने पूरी कर ली थी, किसी भी भाई बहन को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। स्वर संधि कल हो गई थी पूरी, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, इसके बाद में हम बात करेंगे स्वर संधि के अपवादों की। तो संधि तो पूरी कर ही चुके थे, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आज जो बात करेंगे वो स्वर संधि के अपवादों की करेंगे। खुशीराम गुर्जर जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। उत्कर्ष परिवार में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद निजानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत करते हैं। तो देखिए, स्वर संधि के अपवाद, यदि हम जो नियम के अनुसार कार्य करते हैं वो नियम से कोई भिन्न कार्य हो जाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? अपवाद कह देते हैं। अब बात किसकी करेंगे? स्वर संधि के अपवादों की। स्वर संधि के अपवाद, और स्वर संधि के जो अपवाद होते हैं, गुड़ा केस में अनुपमा शर्मा जी, गुड़ा का धन ईश, गुड़ा केस में गुड़ा का धन ईश, आर मिलके ए हो रहे, इसलिए गुड़ संधि होगी। गुड़ा का कहते हैं नींद, ईश्मान कहते हैं ईश्वर, नींद का है जो ईश्वर, अर्जुन और शिव दोनों को कहते हैं, गुड़ संधि होती है, ध्यान से समझना। तो पिछली कक्षा तक हम बात कर चुके थे अयादि संधि की, अभी जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। दयाल शर्मा जी, एक बार क्लास के बाद कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताऊंगा कैसे अद्भुत प्रश्नोत्तरी में भाग लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू दयाल जी, ध्यान दीजिए। स्वर संधि के जो अपवाद है, हालांकि हम 8 ही अपवादों को पढ़ते हैं, लेकिन 8 नहीं बहुत सारे अपवाद पढ़ेंगे आज हम। क्या क्या अपवाद होते हैं बहुत ध्यान से समझना, देखो आराम से। तो यहां पर स्वर संधि के जो मुख्य, पहले तो वो अपवाद जो मूल रूप से हम 8 पढ़ते हैं उनको समझना। स्व धन ईर, ए के बाद में ई आ रही है तो ए और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे। देव लक्ष्मी जी स्वागत अभिनंदन है आपका, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए पूरा पढ़ने पर, क्योंकि कमेंट कम, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान देना है। स्व धन ईर मिला के लिखा तो क्या बना? स्वैर बना। अ के बाद में ई आई तो बनना क्या चाहिए था? ध्यान से समझना, ए के बाद में जब ई आई तो अ और ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है, लेकिन यहां आई बन रही है, इसलिए ये क्या है? अपवाद है। दूसरा है स्व धन ईरणी, अ के बाद में ई आ रही है तो अ और ई मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे, लेकिन यहां क्या बन जाता है? आई बन जाता है। स्वधन ईरणी स्वैरिणी, तो आ और ई मिलके बनने क्या चाहिए थे? संजू यादव जी, लक्ष्मी धन छाया में लक्ष्मी छाया होगा, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आ जाए तो स्वर और 6 के बीच में 6 का आगम हो जाता है, ये संधि होती है व्यंजन संधि जो 6 आगम में आती है, ठीक है ना? तो ध्यान रखना। हाँ, तो स्वधनीरिणी स्वैरिणी, स्वधनीर स्वैर। अब इसके बाद में बात करेंगे इसके तीसरे अपवाद की, प्रदन ऊड, प्रदन ऊड। अब ए के बाद में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है नहीं आ रहा? ए और ऊ मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। ए और ऊ मिलके क्या बनेंगे? ओ बनेंगे। होना क्या चाहिए था? ओ, लेकिन हो क्या रहा है? औ, तो प्र और उ मिलके बनते हैं ओ,
होना ओ चाहिए था लेकिन हो आऊ गया, तो ये अपवाद हुआ नहीं हुआ। प्रधन उड़ क्या बनेगा, प्रौढ़ बनेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे प्रधन ऊह की, प्रधन ऊह की। अब अ के बाद में क्या आ रहा है, अ के बाद में ऊ आ रहा है, तो अ और ऊ मिलके क्या बनने चाहिए थे, ओ, लेकिन यहां क्या बन जाता है, औ बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपवाद। तो प्रधनुड़ प्रौढ़, प्रौढ़ किसको कहते हैं, सरोज का संधि विच्छेद, सरय धन जय होता है अंकिता जी, सरय धन जय सरोज होता है, ठीक है ना। तो प्रौह का मतलब होता है विधि पूर्वक विवाद, प्रौढ़ का मतलब होता है बूढ़ा, ऊढ़ मैंने होता है पुरुष प्रमाणे पहला, पहला पुरुष मतलब क्या होगा, बूढ़ा होगा, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे समझिए अगला इसका जो नियम है, तो स्वधनीर स्वैर, स्वधनीरणी स्वैरणी, प्रधन ऊढ़ प्रधन ऊह प्रो। आगे और भी समझिए इसको, प्रौढ़ा का प्रधन ऊढ़ा, प्रौढ़ा कहते हैं बूढ़ी स्त्री को, ऊढ़ा माने स्त्री होता है, ऊढ़ माने पुरुष होता है, ध्यान से समझना। अब इसके बाद में पांचवा अपवाद क्या है इसका, अक्ष धन उहिनी। अब यहां पर अ के बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो अ और ऊ मिलके क्या बनने चाहिए थे, ओ, लेकिन यहां क्या बन गया, औ बन गया, अक्ष धन उहिनी मिला के लिखा तो क्या बना, अक्षोहिणी बना, अक्ष धन उहिनी अक्षोहिणी। इसके अलावा और समझिए, अक्ष धन उहिनी मिला के लिखा तो क्या बना, अक्षोहिणी, तो ए और ऊ मिलके क्या बनने चाहिए थे, ओ, लेकिन बन गया औ। अक्षोहिणी का मतलब होता है सेना का बल, अक्ष उहिनी, उहिनी कहते हैं सेना को, तो अक्षोहिणी का अक्ष धन उहिनी, लोकेशणा का लोक धन एषणा होगा, वृद्धि संधि होगी। नैन सिंह राठौड़ जी नमस्कार, ध्यान दीजिए अब, अक्ष धन उहिनी अक्षोहिणी। अब इसके अलावा और समझिए, मैंने यहां पर लिखा दंत धन ओष्ठ, ए और ओ मिलके क्या बनने चाहे, क्या बनने चाहिए, औ, लेकिन यहां क्या बनता है, ओ बनता है, दंत धन ओष्ठ दंतोष्ठ, होना औ चाहिए था, हो रहा है, इसलिए इसका ध्यान रखना है। शुद्ध धन ओदन बनेगा शुद्धोधन का, सब आएंगे, घबराओ मत, एक भी उदाहरण को नहीं छोड़ेंगे। अधर धन ओष्ठ, एक भी उदाहरण नहीं रहेगा, ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं होगा जो आपको ना मिले और आपसे छूट जाए। अधर धनोष्ट क्या बनेगा, अधरोष्ट बनेगा, ए और ओ मिलके क्या बनने थे, औ, ए और ओ मिलके क्या बनने चाहिए थे, औ, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। आठवां समझिए, सुख धन रित, आ के बाद में री आ रही है, आ और री मिलके क्या बनने चाहिए, अर, लेकिन यहां क्या बन जाता है, आर बन जाता है। सुख धन रित सुखार्थ, सुख से रित बन होता है। वट वृक्ष में कौन सी संधि होगी, बर्फी मीणा जी, वट वृक्ष में अयादि संधि होगी, वटो धन रिच बनेगा, वटो धन रिच, वट वृक्ष अयादि। रामायण का संधि विच्छेद तीन होते हैं राकेश जी, रामायण शब्द के तीन विच्छेद होते हैं, राम धन अयन, राम धन अयन ए और अयन मिलके दीर्घ हुआ, राम धन अन ने का अणे होने के कारण व्यंजन हुआ, और राम ये धन अन रामायण यहाँ अयादि भी हुआ। तो रामायण शब्द में तीन संधि होती हैं, व्यंजन संधि भी है, दीर्घ स्वर संधि भी है, अयादि भी है, प्राथमिकता में हमेशा दीर्घ स्वर संधि आएगी, ध्यान रखना। गणेश मूर्ति जी महत्वपूर्ण प्रश्न का समय रात को 9 बजे होता है, ध्यान रखना। आगे समझिए, दस धन ऋण, अगला नौवा कौन सा वेद, वो कौन सा अपवाद होगा इसका, दस धन ऋण, अ के बाद में री आ रही है, तो अ और री मिलके क्या बनते हैं, अर बनते हैं, रे हलंत है, मिलना बनना था अर, लेकिन बन गया आर, तो अपवाद हुआ नहीं हुआ। तो 9 अपवाद तो ये हैं, इसका ध्यान रखना है। मातृधन उपदेश मातृ उपदेश बनता है, कंठ धन ओष्ठ कंठोष्ठ बनेगा, ये भी इसी का अपवाद ही होता है, ठीक है ना। राहुल मूल शब्द है, राहुल कुमार नहीं होगा इसका संधि विच्छेद। अब ध्यान दो आगे,
स्वर संधि के अन्य अपवाद, स्वर संधि के अन्य अपवाद। देखो बाद में देखने वाले भाई बहनों को बहुत समस्या होती है, अगर आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और ये कोर्स हो नहीं पाएगा, इसलिए पहले पूरा ध्यान देना है यहां पर और ध्यान से समझना। देखो इसको अच्छे से समझना और बड़े ध्यान से समझना। परोपकार का रेखा पटेल जी, पर धन उपकार गुण संधि होती है, पर धन उपकार, अब ध्यान देना। देखिए पहला स्वर संधि के अन्य अपवाद में सबसे पहले बात करेंगे हम हिरस्वीकरण के अनुसार। किसके अनुसार? हिरस्वीकरण के अनुसार। और हिरस्वीकरण के अनुसार जो इसके अपवाद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहला अपवाद होता है अपधन अंग। अब ए के बाद में ए आ रहा है तो मिलकर क्या होना चाहिए था? आ होना चाहिए था, लेकिन इसका ए ही बनता है तो अपधन अंग क्या बना? अपंग। दूसरा अपवाद लिखा मैंने सार धन अंग। अ के बाद में आ आ रहा है तो अ का आ होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है? ए ही होता है, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? सारंग। तो अपधनंग, अपंग। अपंग कहते हैं जब शरीर का कोई अंग क्या हो गया हो, जब शरीर का कोई अंग विकृत हो जाता है, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी की आंख, किसी का कान, क्या हो जाए? विकृत हो जाता है, उसको अपंग कहते हैं। तो अपंग होना चाहिए था, अपंग बना है। तो सार धनंग, सारंग, सारंग क्या होता है? सारंग कितने कहते हैं? पक्षी भी होता है सारंग, बादल को भी कहते हैं सारंग, मोर को भी कहते हैं सारंग, पानी को भी कहते हैं सारंग, स्त्री को भी कहते हैं सारंग, गड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो अपंग, सारंग। इसी प्रकार तीसरा होता है इसी का अपवाद हृस्वीकरण के अनुसार कुल धन अटा। कुल धन अटा, ए के बाद में ए आ रहा है, क्या बनना चाहिए था? आ बनना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या बनता है? सिर्फ ए ही बनता है। तो कुल धन अटा बनना था, आ बन रहा है ए, इसलिए ये क्या है? अपवाद। कुल धन अटा क्या बनेगा? कुलटा। कुलटा कहते हैं ऐसी नारी जिसने अपने कुल को लजा दिया हो उसे कुलटा कहते हैं। स्वरूप सिंह सोडा स्वागत, अभिनंदन है भाई आपका। आगे समझिए चौथा इसका, इसी का चौथा अपवाद क्या है? मार्त धन अंड। मार्त धन अंड, अब ए के बाद में ए आ रहा है तो क्या होना चाहिए था? आ होना चाहिए था, लेकिन बनता है ए। मार्त धन अंड मिला के लिखा तो क्या बना? मार्तंड। मार्तंड किसको कहते हैं? बिल्कुल दिनेश मेघवाल जी ने बिल्कुल सही बात कही कि सर सारंग के 1000 अर्थ है। बिल्कुल सही है, अनेक अर्थ होते हैं इसके सारंग के। हाँ बिल्कुल, स्वागत अभिनंदन है रेशु चौधरी जी आपका। मार्त धनंड, मार्तंड। मार्तंड किसको कहते हैं? मार्तंड सूर्य को कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, अरे रुचिका गुलेरिया जी, बाढ़ में जान दो चॉकलेट डे को। आप तो पढ़ने पर ध्यान दो, कुछ नहीं है चॉकलेट डे, अपना डे तो क्या है? पढ़ने का डे है, पढ़ाने का डे है, बाकी सब डे बेकार डे हैं। सिर्फ ध्यान दो, सिर्फ किस पे? पढ़ने पे। चॉकलेट डे जाए भाड़ में, क्या करना है हमें चॉकलेट डे का? आगे समझो, मार्त धनंड क्या बना? मार्तंड। अब देखो इसके अलावा और भी समझिए, मैंने लिखा सीम धन अंत। ए के बाद में ए आया, क्या बनना चाहिए था? आ, लेकिन यहां पे क्या बनता है? सीमंत बनता है, क्या? बिल्कुल सही बात है ना, हमारा डे तो पढ़ने का डे और पढ़ाने का डे है, चॉकलेट डे हमारा नहीं है। सीम धनंत क्या बना? सीमंत। सीमंत का अर्थ होता है सिर की मांग। क्या होता है? सिर की मांग होता है, समझो इसमें। तो स्वर संधि के अन्य अपवाद है, नियम कह रहा है, नियम क्या कह रहा है? विषय ध्यान से समझना, ध्यान देना, ध्यान दीजिए इसमें। देखो ए के बाद में ए आए तो आ बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बन रहा, क्या बन रहा है? ए ही बन रहा है, तो अपवाद हुआ नहीं हुआ? अनवीक्षण का गणेश जी, अनुधन ईक्षण होता है, अनवीक्षण। अनवीक्षण माने क्या होता है? खोज करना, पीछे की जांच करना होता है,
शब्दकोश के बारे में बता दो, बिल्कुल बताएंगे, पहले इस पर ध्यान से समझिए, ध्यान देना। हाँ, तो ए के बाद में ए आने पर आ बनना चाहिए था, आ नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, विशेष ध्यान रखना। अंजू पोटालिया जी, मैं फिर कह रहा हूं, आप फिर कह रही हो हैप्पी चॉकलेट दे, अरे कहाँ है चॉकलेट दे, भाड़ में ध्यान दो चॉकलेट दे को, आप तो पढ़ने पे ध्यान दो, ये सबसे बड़ा दे है, रोज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, सिलेक्शन लो, ये डे है सबसे बड़ा, ठीक है ना। आगे समझो, अगला कौन सा है, दीर्घीकरण के अनुसार, अगला कौन सा है, दीर्घीकरण के अनुसार, अपवाद पढ़ रहे हम स्वर संधि के, ह्रस्वीकरण के अनुसार लिखा पहले तो, ए के बाद में ए आने पर आ बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या, क्या बना, विशेष ध्यान रखना, ए के बाद ए आने पर आ बनना चाहिए था, लेकिन ए ही बन रहा है, इसलिए विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल विनोद कुमार जी पटवार के लिए भी है। आगे समझो, दीर्घीकरण के अनुसार कैसे होगा, विशेष ध्यान रहना और ध्यान से समझना, ध्यान देना, ध्यान से समझना। अरे बताया तो है राकेश शर्मा, मारतंड का अर्थ सूर्य होता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, दीर्घीकरण के अनुसार कैसे होगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा था अभी, उत्तर धन खंड, अब उत्तर धन खंड ए के बाद में ए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, फिर भी इसका क्या हो रहा है, आ हो रहा है, उत्तर धन खंड क्या बना, उत्तराखंड, ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अपवाद है। हाँ ध्यान दो, उत्तर धन खंड, उत्तराखंड, इसी प्रकार दूसरा अपवाद है मार धन मारी, ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी इसका क्या बन रहा है, आ बन रहा है, नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा। ए के बाद में ए आने पर आ बनना चाहिए लेकिन नहीं बन रहा, ए के बाद ए नहीं आ रहा, फिर भी आ बन रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा, विशेष ध्यान रखना। मार धन मारी, मारा मारी, तीसरा समझिए इसमें, और समझिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, प्रत्येक का ध्यान देखना है, दड़ धन धड़, अब दड़ के बाद में धड़ आ रहा है, ए के बाद में ए आने पर आ बनता है, लेकिन यहां तो ए है बाद में ए नहीं है, फिर भी इसका क्या बन रहा है, आ बन रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, दड़ा धड़। अपवाद हुआ नहीं हुआ, इसके बाद में चौथा अपवाद समझिए, काय धन कल्प, काय धन कल्प, ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ बन रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा, काय धन कल्प, काया कल्प, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। राधेश्याम जी यही है, आठ से नौ और नौ से दस, आठ से नौ व्याख्यात्मक चलती है, टॉपिक वाइज चलता है, नौ से दस प्रश्नोत्तरी चलता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, धड़ धन धड़ धड़ा धड़, काय धन कल्प, काया कल्प होता है। आगे समझिए, इसके बाद में पांचवा है इसका, मूसल धन धार, कितने मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मूसल धन धार मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, मूसलाधार, ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा। और इसके बाद में कौन सा है, मूसलधार, दीन धन नाथ, दीन धन नाथ, अब ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी इसका क्या बन रहा है, आ बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अपवाद, दीन धन नाथ, दीनानाथ, दीन धन नाथ, धड़ तद्भव नहीं, तस्म नहीं, तद्भव है, क्या है, तद्भव है, धड़, धड़ शब्द कैसा है, तद्भव है। और इसका अंतिम क्या होगा, विश्व धन मित्र, विश्व धन मित्र, ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी इसका क्या बन रहा है, आ बन रहा है, विश्वामित्र, तो ये क्या कहलाएगा, अपवाद। तो
तो ये किसके अनुसार है? दीर्घीकरण के अनुसार। कायाकल्प तो सही है सर जी, देखो क्या देखो कायाकल्प में, कायाकल्प में काय धन कल्प होता है, कायाकल्प में काया धन कल्प नहीं होता, काय धन कल्प होता है। मिला के लिखते तब कायाकल्प बनता है। आप लिख देते हो मूसलाधार होगा, मूसलधार नहीं होगा, मूसल धनधार। अरे ताजा राम जाकर जी, यहाँ ये अपवाद चल रही है, ये संयोग नहीं है। मूसलधार नहीं होता, मूसलाधार होता है। ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, ये अपवाद है। विश्व धन मित्र विश्वामित्र बनता है। ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। यथाधन इच्छा यथेच्छा बनेगा गुण संधि। आगे समझिए अगला किसके अनुसार है, गुणादेश के अनुसार। अगला किसके अनुसार होगा, गुणादेश के अनुसार होगा। और गुणादेश के अनुसार ध्यान से समझना, गुणादेश के अनुसार कैसे होता है, बिल्कुल वीर जी बिल्कुल है, ध्यान से समझो। पांच वाले चेक करें, पांच वाले क्या चेक करें, आप चेक करके देखो एक बार, मूसल धनधार मूसलाधार है। अच्छा इसके लिए कह रहे हो क्या, दीर्घ आ होगा, ए के बाद में ए नहीं आ रहा, फिर भी क्या हो रहा है, आ हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, अपवाद होगा। अगला किसके अनुसार है, गुणादेश के अनुसार है। कायाकल्प अर्थ बताना सर जी। अरे सवाई जाट ध्यान से समझो क्या होता है कायाकल्प। जैसे किसी पुरानी एम्बेसडर को उसमें रूप बदल के उसको मर्सिडी बना दे, वही कायाकल्प का होता है। कोई पुराना व्यक्ति हो या कोई पुरानी महिला हो या कोई पुराना कुछ भी हो, मतलब कहने का ये है कि आप ब्यूटी पार्लर पर जाकर जो आप अपना रूप बदलवाते हो, चेहरे की मसाज करवाते हो, अनेक प्रकार की क्रीम लगवा के जो रूप बदल देते हो, वही कायाकल्प होता है, ठीक है ना। आगे समझो गुणादेश के अनुसार, गुणादेश के अनुसार क्या क्या होंगे ध्यान से समझना। प्रदन एसक, प्रदन एसक, अ के बाद में ए आ रहा है, तो आ और ए मिलके क्या बनने चाहिए थे, आई, लेकिन यहां क्या हो रहा है, ए हो रहा है, अपवाद हुआ नहीं हुआ। प्रधन एसक प्रेसक, हम बिल्कुल ध्यान रखना। उपर्युक्त में क्या होगा राजवीर गुजर जी, उपर्युक्त में उपरी धन उक्त होता है। उपर्युक्त का क्या होता है, उपरी धन उक्त होता है। ई का बन जाता है ये हलंत है, रे हलंत हो गया, ये हलंत हो गया, आगे आ गया उक्त, ऊपर में क्या रही है ई का क्या बना, ये जब मिला के लिखा तो क्या बना, उपर्युक्त बना, तो ऊपरी धन उक्त होता है, ठीक है ना, ऊपरी धन उक्त, यण स्वर संधि होती है, ध्यान से समझना। तो प्रधन एसक क्या बना, प्रेसक। प्रधन एसण, ए के बाद में ए आया तो क्या बनेगा, आई, लेकिन हम क्या लिखेंगे यहां, प्रेषण लिखेंगे। प्रेषण माने होता है भेजना, प्रेषक माने होता है भेजने वाला, प्रेषण माने भेजना, प्रेषक भेजने वाला। और प्रधन एसति, प्रधन एसति, आ के बाद में ए आया तो क्या बनना चाहिए था, आई बनना चाहिए था, लेकिन यहां क्या बनता है, प्रेषिति बनता है। तो प्रेषक प्रेषण प्रेषति, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, तो इसको भी अच्छे से समझना। तो ए के बाद में जब ए आया तो आई बनना चाहिए था, लेकिन ए बना। यहां ए के बाद में ए आया तो आई बनना चाहिए था, ए बना, तो ये भी क्या है, अपवाद है। कृपा धन आचार्य, कृप लिख देते इसको, कृपा को, कृप धन आचार्य कृपाचार्य होता है। प्रधन एसति प्रेसति, प्रेसति कहते हैं प्राप्त करने वाला, क्या होता है, प्राप्त करने वाला होता है, तो ये भी ध्यान रखना। आगे लिखो प्रेषक प्रेसति प्रेसति। अब इसके अलावा और भी समझिए, प्रतिधनकार। अब ये दोनों रूप चलते हैं, इसमें ध्यान रखना। प्रतिधनकार क्या बनेगा, प्रतिकार।
प्रतिधनकार क्या बना? प्रतिकार बना। इसी प्रकार प्रतिधनहार क्या बनेगा? प्रतिहार बनेगा। प्रतिधनहार क्या बनेगा? प्रतिहार। और प्रतिहार आपको पता है किसको कहते हैं? द्वारपाल को कहते हैं। ई के बाद में ई आ रही है क्या? नहीं आ रही। ये किस में चला जाता है? गुणादेश वाले में। इनको किस में रख देते हैं? गुणादेश वाले में। किसको? प्रेषक, प्रेषण, प्रेषिति। और प्रतिकार में किस में चला जाएगा? दीर्घीकरण वाले में। प्रतिकार और ये किस में जाएंगे? अन्य उदाहरण है उसके अलावा जिसका आपको ध्यान से समझना है। सुसुप्ति का सुधन सुप्ति हो जाएगा, दंत सह का मूर्धन्य सह हो जाता है ऊ के कारण। ध्यान से समझो, देखिए यहां पर दीर्घीकरण के अनुसार ए के बाद ए नहीं आ रहा, फिर भी आ हो रहा था। इसमें और भी खूब सारे उदाहरण हैं, चाहो तो उनको भी इसमें जोड़ सकते हो, बाकी का भी इसी में जोड़ दो, क्योंकि बाद में क्या इसी में और जोड़ देते हैं उदाहरण। आठवां समझो इसमें, उनकी बात बाद में करेंगे, इसमें कुछ और जोड़ दो, कोई भी नहीं छोड़ना हमें। प्रतिधनकार, अब लघु ई के बाद में लघु ई नहीं आ रही, फिर भी क्या बन रहा है? दीर्घी। प्रतिधनकार क्या बना? प्रतिकार। ई के बाद में ई आई क्या? नहीं आई, फिर भी क्या हुआ? दीर्घी हुई। प्रतिधनकार, प्रतिकार। इसी प्रकार प्रतिधनहार क्या बनेगा? प्रतिहार। प्रतिहार क्या होता है? द्वारपालक को कहते नहीं कहते, प्रतिहार। और प्रतिधनहारी। इसी प्रकार और क्या होगा? प्रतिधनहारी मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? प्रतिहारी। तो इसलिए मैंने ये उदाहरण और भी इसमें जोड़ दिए जिनका आपको ध्यान रखना है। ये किसके अनुसार हो रहे हैं इसका भी ध्यान रखना। अरे समुदाय, समुदाय मूल शब्द है, हर शब्द में संधि विच्छेद मत किया करो, हर एक का नहीं होता, ठीक है ना। आगे इसमें देखो, हम पढ़ रहे थे गुणादेश के अनुसार, तो प्रेषक भेजने वाला, प्रेषण भेजना, प्रेषिति प्राप्त करने वाला होता है। अब इसके अलावा और भी इसके खूब सारे अपवाद हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। मैंने लिखा बिंब धन ओष्ट, ए के बाद में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, होना औ चाहिए था लेकिन हो ओ रहा है। बिंब धन ओष्ट क्या बना? बिंबोष्ट बना। बिंब धन ओष्ट बिंबोष्ट बना। और समझिए इसमें ध्यान से, मैंने लिखा यहां सुख धन ओदन। ध्यान देना और ध्यान से समझना। अरे कमल हटेला जी, बता तो दिया सुसुप्ति का सु धन सुप्ति होगा, ऊ के कारण दंत सह का मूर्धन्य सह हो जाता है। सुसुप्ति का बताया तो है, कितनी बार पूछोगे? सु धन सुप्ति होता है, सु धन सुप्ति होता है। इस ऊ के कारण इसका कौन सा सह हो जाएगा? मूर्धन्य सह हो जाएगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? सुसुप्ति बनेगा। आगे देखो सुख धन ओदन, सुख धन ओदन। देखो यहां पर क्या आ रहा है? ए, बाद में क्या आ रहा है? ओ। ए और ओ मिलके क्या बनेगा? औ। लेकिन यहां क्या बनता है? ओ बनता है। सुख धन ओदन, सुख कहते हैं तोता को, ओदन माने होता है प्रिय भोजन। तोता का प्रिय भोजन क्या होता है? अनार। सुकोदन अनार को कहते हैं। बिल्कुल वीर जी, बिल्कुल है। आगे लिखिए इसके बाद में सुख धनोदन सुकोदन। जैसे सुकोदन लिखा वैसे ही शुद्ध धन ओदन लिखेंगे। अब ए और ओ मिलके क्या बनने चाहिए थे? ए और ओ मिलके औ बनने चाहिए थे, लेकिन यहां क्या बनता है? सिर्फ ओ ही बनता है। शुद्ध धन ओदन मिला के लिखा तो क्या बना? शुद्धोदन बना है। विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो सुख धन ओदन सुकोदन, शुद्ध धन ओदन शुद्धोदन बना। आगे समझो और भी इसके उदाहरण। जैसे मैंने यहां पर लिखा, कितने लिख दिए हमने गुणादेश के? यहां तक छह। सातवें की बात करेंगे तो सातवां भी समझना। जैसे मैंने लिखा दुग्ध
धन ओदन, ए के बाद में ओ आया तो ए और ओ मिलके क्या बनना चाहिए था, औ बनना चाहिए था, लेकिन मिला के लिखा तो क्या बना, ओ बना, तो अपवाद हुआ नहीं हुआ? ए और ओ मिलके क्या बनना चाहिए था, औ बनना चाहिए था, लेकिन बन क्या रहा है, ओ बन रहा है, इसलिए इसको किस में रखेंगे, अपवाद में रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी उदाहरण है, ध्यान से समझना। आगे समझो इसका, सातवें के बाद में आठवां समझो। मिष्ट धन ओदन, मिष्ट धन ओदन, ए के बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ए और ओ मिलके क्या बनने चाहिए थे, औ बनने चाहिए थे, लेकिन यहां क्या बन रहा है, ओ बन रहा है, इसलिए ये किस में आएगा, अपवाद में आएगा। मिष्ट धन ओदन, मिष्ट ओदन, तो ए और ओ मिलके औ बनता। अरे राधे श्याम में कौन सा राधा, जो राधा है जो श्याम, तो राधा और श्याम, राधा और श्याम, इतरेतर द्वंद समास होगा, कौन सा होगा, इतरे धन समास, यशो गान में यशे धन गान होगा, यशे धन गान, ठीक है ना, तो इसका भी ध्यान रखना। मिष्ट धन उदन, मिष्ट उदन, ये लिखना होगा, मिष्ट उदन शुद्ध ये होता है, ठीक है ना, ध्यान से समझना इसका। तो दुग्ध धन ओदन, दुग्धोदन, मिष्ट धन ओदन, मिष्टोदन, मीठा है जो ओदन, ठीक है ना। दुर्योधन में दुए धन योदन, दुए धन योदन विसर्ग समझिए, हाँ बिल्कुल, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो दुग्ध धन ओदन, दुग्धोदन, मिष्ट धन ओदन, मिष्टोदन, शुद्ध धन ओदन लिखा तो क्या बना था, शुद्धोदन, सुख धन ओदन लिखा तो क्या बना, सुखोदन बना, तो इनका भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ध्यान से समझना, देखिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात है, ये अपवाद आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो हमने जो स्वर संधि के अपवाद पढ़े, पहले तो वो मूल अपवाद पढ़े जो आप पढ़ते रहते हो, तो इसमें समझना ध्यान से, स्वाधन ईर स्वर ए और ई मिलके ए बनना चाहिए था, आई बना, स्वाधन ईरणी ए और ई मिलके ए बनना चाहिए था, आई बना, ठीक है ना, बिल्कुल अरविंद जी क्यों नहीं कराएंगे, पूरा कराएंगे। प्रधन उड़ ए और ऊ मिलके ओ बनना चाहिए था, औ बना, इसके बाद प्रधन ऊ ओ बनना चाहिए था, औ बना, इसके लिए भी ध्यान रखना है। अच्छ धन ऊहिनी ए के बाद में ऊ आया तो ए और ऊ मिलके ओ बने, तो आ और ऊ मिलके ओ बने, होना ओ चाहिए था लेकिन यहां तो औ बन रहा है, तो ये क्या है, अपवाद है। अरे कमल हटेला जी बता तो दिया, बताया तो है इसमें अभी, शुद्ध धन ओदन शुद्धोधन होगा, स्वर संधि का अपवाद है। अच्छ धन उइनी अच्छोइनी, आ और ऊ मिलके ओ बनने चाहिए, औ बन रहा है, दंत धनोष्ट दंतोष्ट, कुछ लोग तो सिर्फ कमेंट करने आते हैं, देखते ही नहीं है, शुद्धोधन अभी बताया है फिर भी कमेंट करते जा रहे हैं, शुद्धोधन का संधि विच्छेद क्या होगा। ए और ओ मिलके औ बनना चाहिए था, ओ बन रहा है, दंत धनोष्ट दंतोष्ट, अधर धनोष्ट, आ और ओ मिलके औ बनना चाहिए था, ओ बन रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। सुख धन रित सुखार्थ, ए और ई मिलके अर बनने चाहिए था, आर बन रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद है, ठीक है ना, इसको ध्यान से समझो। आगे देखो, दस धन ऋण अ और री मिलके अर बना, बनना चाहिए था लेकिन आर बन रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। स्वर संधि के अन्य अपवाद, अब अन्य अपवाद भी होते हैं, क्या होते हैं, देखो हिरस्वीकरण के अनुसार, हिरस्वीकरण के अनुसार ध्यान से देखिए, अपधनंग अपंग, ए और ए मिलके आ बनना चाहिए था लेकिन ए बन रहा है, इसलिए ये क्या है, अपवाद। सार में ए के बाद ए आया, मिलके क्या बनना चाहिए था, आ, लेकिन बन क्या रहा है, ए बन रहा है, इसलिए ये क्या है, हिरस्वीकरण के अनुसार अपवाद है। कुल धन अट्टा, ए के बाद ए आया तो आ बनना चाहिए था, ए बना, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। मार्त धन अंड, ए के बाद में ए आ रहा है, आ बनना चाहिए था लेकिन नहीं बन रहा, इसलिए ये क्या है, अपवाद है। शीम धन अंत, ए के बाद में ए आया, आ बनना चाहिए था लेकिन ए बन रहा है, सीमंत, सीमंत कहते हैं शिर की मांग। आगे दीर्घीकरण के अनुसार, ए के बाद में ए नहीं आ रहा फिर भी आ हो रहा है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। उत्तर धन खंड, उत्तर धन खंड, तो ए के बाद में ए नहीं आ रहा फिर भी क्या बन रहा है, आ बन रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, मार धन मारी, ए के बाद में नहीं आ रहा फिर भी क्या आ रहा है, आ रहा है, इसका भी ध्यान रखना है।
मार धन मारी मारा मारी, ऐके बाद ऐ नहीं आ रहा, फिर भी आ बन रहा है मारा मारी, धड़ धन धड़ धड़ के बाद धड़, ऐके बाद ऐ नहीं आ रहा, फिर भी आ बन रहा है धड़ा धड़, काय धन कल्प क्या बनेगा काया कल्प, ऐके बाद ऐ नहीं आ रहा, फिर भी आ बना मूसल धन धार मूसलाधार, ऐके बाद में नहीं आ रहा, फिर भी आ बना दीन धन नाथ क्या बना दीना नाथ बना, इसका विषय ध्यान रखना है। विश्व धन मित्र, ऐके बाद ऐ नहीं आ रहा क्या बना विश्वामित्र बना। अब इसके अलावा और भी है प्रतिधनकार, ई के बाद में ई नहीं आ रही फिर भी ई बन रही। अब देखो इसमें ध्यान क्या रखना है, इसके दोनों रूप प्रचलित है प्रतिकार और प्रतिकार भी, लेकिन प्रतिकार करोगे वो संयोग में आएगा और प्रतिकार ये अपवाद में आएगा। प्रतिधनहार प्रतिहार, ई के बाद ई नहीं आ रही फिर भी दीर्घ बन रही है। पहचान कुछ नहीं करनी, ध्यान रखना है आपको इन नियमों का, ये नियम विशेष ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। प्रतिधन हारी, अरे वृद्धि आदेश का एक ही है प्रह, जिसको मैं पहले ही लिखा चुका हूं, प्रधन उह प्र होता है, तो ये भी आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना, समझ लेना इसका। प्रतिधन हारी प्रतिहारी, लघु ई के बाद में लघु ई नहीं आ रही फिर भी इसका क्या बन रहा है दीर्घ बन रहा है, तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। अब गुणादेश के अनुसार, गुणादेश के अनुसार कैसे होगा ये भी आपको ध्यान रखना है। ए के बाद में ए आ रहा है तो आ और ए मिलके आई बनना चाहिए था लेकिन ए बन रहा है, अपवाद हुआ नहीं हुआ। ए के बाद में ए आके आई बनना चाहिए था लेकिन ए ही बन रहा है, ये भी क्या हुआ अपवाद हुआ। ए के बाद में ए आने पर आई बनना चाहिए था लेकिन क्या बना ए ही बना, इसलिए ये भी अपवाद है। ए और ओ मिलके क्या बनते हैं आपको अच्छे से पता है, ए और ओ मिलके औ बनते हैं, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है यहाँ पर सिर्फ ओ बन रहा है, बिंब धनुष्ट बिंबोस सुख धनोदन। ए के बाद में ओ आने पर औ बनना चाहिए था लेकिन ओ ही बन रहा है, इसलिए क्या है अपवाद। और शुद्ध धनोदन, ए के बाद में ओ आने पर औ बनना चाहिए था लेकिन क्या बना ओ ही बना। यहाँ दुग्ध धनोदन, ए और ओ मिलके औ बनना चाहिए था लेकिन ओ ही बना दुग्धोदन, ठीक है ना। और मिष्ट धनोदन, मिष्ट धनोदन, ए और ओ मिलके औ बनना चाहिए था लेकिन ओ ही बना, तो इनका आपको विषय ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो ये बात आपको अच्छे से पता लग गई होगी, ये सब बातें आपको विषय ध्यान रखनी है। तो ये क्या हो गए स्वर संधि के अपवाद, स्वर संधि के अपवाद क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं, जिनका विषय ध्यान रखना। सक धन अंदु सकंदु, हाँ बिल्कुल, ये बात भी आपको विषय ध्यान रखनी है। तो अभी हमने जो बात करी है ये अपवादों की बात करी है, तो सबसे पहले हमने चर्चा करी थी स्वर संधि, स्वर संधि के हमने पांच भेद पढ़े थे, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसके बाद में वृद्धि, यण और अयादि। उसके बाद में हमने बात करी है किसकी करी है अपवादों की, ये भी आपको विषय ध्यान रखने हैं, इनमें आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रखनी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी अपवाद थे जिनका आपको ध्यान रखना बहुत आवश्यक था। तो अपवाद यहाँ तक है, इनका विषय ध्यान रखना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 9 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ मिलते हैं, कल क्लास की छुट्टी रहेगी, कल क्लास का ऑफ रहेगा, क्योंकि कल क्या होगा आपको अच्छे से पता है, कल अद्भुत प्रश्नोत्तरी 2.0 होगी 33 नंबर का, 10 फरवरी कल शाम को 7:30 बजे, बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और हर प्रश्न का उत्तर आपको भी YouTube पे देना है। तो मिलते हैं कल 7:30 बजे अद्भुत प्रश्नोत्तरी में। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।